हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सरदार भगत सिंह के संदर्भ में हमने दो खंडों में वीडियो बनाया है। प्रथम खंड का समापन सैंडर्स हत्याकांड तक था, अब उसके आगे। जैसा कि सैंडर्स हत्याकांड में एसपी पंजाब के तत्कालीन एसपी स्कॉट की हत्या की योजना थी, मगर जय गोपाल के धोखे से न पहचान पाने के कारण सैंडर्स मारा गया था। और सैंडर्स के मारे जाने पर भगत सिंह ने यह नारा बुलंद की कि मैंने लाला की मृत्यु का बदला ले लिया। अगले वर्ष अप्रैल 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने वाला था। भगत सिंह ने आम जनता के मन में अपने क्रांतिकारी समाजवादी विचारों को पहुंचाने के लिए इससे अच्छा मंच नहीं समझा और उसने बटुकेश्वर दत्त, जिससे उसने बंगला भाषा भी सीखा था, को अपने साथ लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली में डिबेट चल रहे सभा भवन में पब्लिक दीर्घा में पहुंच गए। जैसे ही वोटिंग होने वाला था, वैसे ही भगत सिंह ने खाली जगह में, क्योंकि भगत सिंह का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, केवल खुद को गिरफ्तार कराना था और बहरे अंग्रेजों को यह समझाना था कि इस बिल से आम जनता का हित नहीं होने वाला, खाली जगह पर उसने बम फेंका। उसके धुएं से पूरा हाल भर गया, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। अफरा तफरी के माहौल में दूसरा बम भी फेंका, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे इस गुबार का, इस धुएं का लाभ लेकर के वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका उद्देश्य था अपनी विचारों को पहुंचाना। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चियां फेंकना शुरू किया और नारे लगाए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इन नारों के उद्घोष के बीच वे खुद को गिरफ्तारी कर देते हैं। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चला जाता है। इसी केस के दौरान यह पता चलता है कि सैंडर्स की हत्या भी भगत सिंह ने की थी, इसलिए इन दोनों केस में उन्हें आईपीसी की धारा 120 के तहत कुल 68 पृष्ठों में जो फैसला सुनाया गया था, ये तकरीबन 17 अक्टूबर 1930 को फैसला आया था, उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। 2 वर्ष तक वो जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन भी किया, अपने परिवार से पत्र लेखन भी किया और इसी दौरान खाने की निम्न कोटि की वैरायटी के चलते जेल में भूख हड़ताल भी किया। इसी भूख हड़ताल में उनके मित्र यतीन दास, जो 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। भगत सिंह क्रांतिकारियों के बीच जो जेल में उनके साथ बंद थे, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, सभी के बीच बहुत पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। भगत सिंह की एक बड़ी अच्छी खासियत यह थी कि वो फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी
उनका वजन बढ़ रहा था, मतलब बहुत खुश थे, जेल में उनका वजन बढ़ रहा था। उन्हें रत्ती मात्र भी इस बात का अफसोस नहीं था कि हमें मृत्यु दंड दिया गया है, बल्कि उनके छूटने के जो प्रयास बाहर हो रहे थे, जिसमें मालवीय जी की बहुत बड़ी भूमिका है, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका है, इस घटना का वर्णन हम किसी और प्रसंग में करेंगे, वो नहीं चाहते थे। जब उनके फांसी का तिथि, हालांकि फांसी की तिथि तो 24 मार्च बताई जाती है, लेकिन उसके 11 घंटे पूर्व 23 मार्च को ही उनको फांसी दी गई थी। किन परिस्थितियों में और कैसे दी गई थी, इस पर अलग से बात की जाएगी। 23 मार्च 1931 को फांसी के दिन जो जेलर साहब थे चतर सिंह, वो पास में आते हैं और कहते हैं कि भगत, मैं आपके पिता तुल्य हूं, अब आपका आखिरी समय है, ऐसे में आप गुरुवाणी को पढ़ लीजिए, मैं गुटका साथ मिलाया हूं। तो भगत सिंह उनका सम्मान करते हुए कहे कि यदि आप कुछ समय पहले मुझे यह गुटका देते तो मैं शायद सोचता, आपकी बात रखता, मगर अब देर हो चुकी है, अब यदि हम गुरुवाणी पढ़ेंगे तो ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा कि जीवन भर तो ये हमें नहीं भजा, मेरा जप नहीं किया, और अंत समय आया तो गुरुवाणी पढ़ रहा है, तो मैं ईश्वर के नजरों में गिरना नहीं चाहता। और दुनिया वाले हमें नास्तिक कहेंगे, वो मैं ठीक है, लेकिन बुजदिल कहेंगे ये मैं सुनना नहीं चाहता। इसलिए उसने क्षमा के साथ गुरुवाणी पढ़ने से इनकार कर दिया। इन्हीं सब परिस्थितियों में एक अन्य अधिकारी जिनका नाम प्राणनाथ था, उन्होंने अंतिम समय में उसे एक पुस्तक दिया था पढ़ने को, लेनिन की जीवनी। कई कई उल्लेख मिलता है कि ये रामप्रसाद बिस्मिल की जीवनी थी, लेकिन प्राणनाथ का प्रसंग मिलने के बाद ये बातें स्पष्ट हो गई कि वो लेनिन की जीवनी थी, जिसको अंतिम समय में भगत सिंह जेल में पढ़ते रहे। जब जेलर ने गेट खोला और उन्हें कहा कि अब आपके फांसी पर चढ़ने का समय आ गया है, तो भगत सिंह उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अभी रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। फिर कुछ पन्ने पलटते हैं, उसके बाद उस किताब को हवा में उछालते हैं और कहते हैं चलो, मतलब मरने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए, खुद को ये जानते हुए कि हम कहां जा रहे हैं, बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर के चल देते हैं और अपने साथी सुखदेव और राजगुरु को साथ लेकर ये नारा लगाते हैं, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसा गीत गाते हुए वे फांसी के तख्ती की ओर बढ़ जाते हैं। जेल के बाकी कैदियों को इस घटना के विषय में नहीं बताया जाता। जब वो तख्ते पर चढ़ते हैं तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उस समय भगत सिंह कहते हैं कि हम लोगों के हाथ जो पीछे बांधे गए हैं खोल दिए जाए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। फिर वो तीनों गले मिलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हैं और उसके बाद फांसी के फंदे को चूमते हैं और अपने गले में डाल लेते हैं। जल्लाद, जल्लाद की आंखों में आंसू आ गया, इसने वीर सपूत को इस तरह के व्यवहार करते हुए। जल्लाद काले कपड़े पहनाने में और फांसी का फंदा ठीक करने में खुद को रोक नहीं सका, रो पड़ा। और फिर जब नीचे उतर करके
चरखे घुमाता है। वो समय है 23 मार्च 1931 शाम के 7:33 पर चरखी घुमाई जाती है, नीचे से तख्ता हटता है और तीनों भारत माता के फूल उनके चरणों में अर्पित हो जाते हैं। करीब 30 मिनट तक भगत सिंह को फंदे पर लटकाया जाता है और डर अंग्रेजों की इतना अधिक था कि इसके बाद उनके कारनामे बेहद घृणित थे। इन शहीदों के शव को वो टुकड़ों में काट करके बोरी में भर करके सतलज नदी के किनारे जलाते हैं मिट्टी के तेल से, क्योंकि तेल के कुछ कनस्टर भी वहां से मिले हैं। जैसे धुआं और आग से गांव वालों को पता चलता है, रात में सभी गांव वाले उस दिशा की ओर बढ़ जाते हैं और अंग्रेज वहां से पलायित हो जाते हैं डर के मारे और अधजली लाश को सतलज नदी में फेंक देते हैं। हालांकि बाद में गांव वालों ने ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया और तब जाकर के सभी को पता चलता है कि हमारे वीर सबूत अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे क्रांतिकारी वीरों को शत शत नमन। भगत सिंह की पढ़ाई, भगत सिंह की अध्ययन, भगत सिंह की कार्यशीलता, भगत सिंह का दार्शनिक विचार शैली, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ समझने की जो उनकी अदम्य प्रतिभा थी, उसे सत सत नमन। अकाली और कीर्ति नामक अखबार का उन्होंने संपादन भी किया था। मैं नास्तिक क्यों हूं ये पुस्तक लेख भी उन्होंने लिखा था। 23-24 साल में इतना सब कुछ कर गुजरने की दिल में लालसा लिए सरदार वल्लभ भाई सरदार भगत सिंह हमारे बीच एक अपने नाम का स्वर्णिम पहचान छोड़कर चले गए। इसके लिए हम भारतीय आज भी उनके कृतज्ञ हैं। सत सत नमन। नमस्कार।